मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में दूर दराज से अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में दूर दराज से लोग रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और कलेक्टर के द्वारा अपनी समस्याओं का निराकरण की मांग करते हैं। जनसुनवाई में टीकर गांव के 50 लोगों का परिवार अपनी शिकायत लेकर पहुंचा, जिनकी 2 महीने की मजदूरी के पैसे ठेकेदार हीरामणि विश्वकर्मा के द्वारा नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही मनगमा तहसील के गोदरी गांव के लोगों ने आम रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनसुनवाई के दौरान ग्राम बीरादुई के लोगों ने गांव में पत्थर निकासी के लिए लगने वाली क्रेशर मशीन पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार पत्थर निकासी के लिए सुरंग व दान मीट लगाने से गांव का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा, जिससे कि वहां लोगों का रहना अत्यंत मुश्किल होगा। हाँ, क्या मामला आपका? मामला ये है कि कैनाल में इतने आदमी 30 आदमी के लेके हमने काम किया, 2 माह हो गया। ठेकेदार हम लोगों को पैसा लेके चला गया, रात के भाग गया गाड़ी लेके अपना। हम लोग वहीं बगीचे में पड़े रह गए, ये बरसात में आज तक पैसे नहीं दिया हम लोगों। फोन से बात किया, वो कहता है कि जो करना हो तो कर लो, जब हमारा इच्छा पड़ेगा जब मैं पैसा दूँ। अब साहब इतने आदमी से काम करवा लिया, पैसा नहीं दे रहा, तो गरीब आदमी रो रहे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे? हैं, कौन सी कंपनी थी? कंपनी ये नहर का कंपनी है, ये गोविंदगढ़ से कैनाल चल रही है, कुमसेत का जा रही है। ठेकेदार का नाम? ठेकेदार हीरामणि विश्वकर्मा व्यवहार। कहाँ के रहने वाला है? ये चौड़ौरी उठा गाँव है। ये हमारे घर से मेन रोड के लिए करीब 100 साल पुराना आम रास्ता है, जो उन्होंने सहमत से दिया था, लेकिन अब गंगा प्रभात पटेल और काशीनाथ पटेल के द्वारा उस आम रास्ते को तार वारी और लोहे की राड लगा के अतिक्रमित कर लिया गया है। करीब 20 परिवारों के लिए मेन रोड पे लगने के लिए रास्ता नहीं है। आए दिन जो है विवाद की स्थिति बनी जाती है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको जो है तो आम रास्ते को बहाल करवाया जाए, शासित करवा के उसमें मुरुग मुरुग और गिट्टी डलवाई जाए।